गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 9th of March 2023। फेड्स पावेल स्टिक्स टू हॉकिश मैसेज इन सेकेंड डे ऑफ टेस्टिमोनी। पावेल टोल्ड इफ एंड आई स्ट्रेस दैट नो डिसीजन हैज बीन मेड ऑन दिस, बट इफ द टोटलिटी ऑफ द डेटा आर टू इंडिकेट दैट फर्स्टर टाइटनिंग इज वारंटेड, we would be prepared to increase the pace of rate hikes. Powell told the US Representatives Financial Services Committee in testimony. Dollar index kal ek chota doji candle form hua hai, chota sa at immediate resistance level. This, the power of this doji candle is that although doji candle is indecision, but iska ek speciality hai, iske high ke upar aur bhi फर्दर हायर जा सकता है, लो के नीचे रिट्रेस कर सकता है। सो अभी हमें देखना है कि आफ्टर द सेकेंड डे पॉवेल्स टेस्टिमोनी मार्केट कैसे बिहेव करता है। डॉलर रुपये कल ट्रेडेड हाई ऑफ 82.29, उसके बाद क्लोज दिया है 93 पे। हालांकि हमारे इंडियन मार्केट में अराउंड 82.05-86 के आसपास क्लोज दिया है। बेसिकली आपका ये जो है आपका 82.30 से 82.45 इज एक्सपेक्टेड टू वो एक्ट एज ए गुड रेजिस्टेंस लेवल। प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू मूव देयर एंड देन बाउंस बैक। कल भी वैसा ही हुआ है, नियर बाई दैट 129 लेवल से बाउंस नीचे की तरफ आ गया है। सो एनी ऑप्टिक एज ऑफ नाउ इट सीम्स टिल द गिवन इकोनॉमिक एंड फंडामेंटल ऑल कंडीशंस आर देयर, if there is not any uncertainty in such a case, any uptick may be sold in dollar rupee for few more trading days. GBP dollar kal ek pause candle banaya hua hai and it traded in between 1.1843 and 1.1860. iske low ke niche continuation of the sell off and high ke upar thoda pause ho sakta hai. GBP INR यहाँ पर भी एक छोटू सा डोजी कैंडल, एक छोटू स्मॉल बॉडी कैंडल फॉर्म हुआ है। इसका इंडिकेशन भी सेम है, लो के नीचे सेल ऑफ विल कंटिन्यू, हाई के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर पे यहाँ पर भी एक छोटा डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, सेम इंटरप्रिटेशन, लो के नीचे सेल ऑफ कंटिन्यूज, हाई के ऊपर थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल है, सेम इंटरप्रिटेशन, लो के नीचे सेल ऑफ, हाई के ऊपर थोड़ा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन पे भी एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है एट द टॉप, व्हाट इट इंडिकेट्स, सेम इंटरप्रिटेशन, हाई के ऊपर फर्दर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे थोड़ा पुल बैक या रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। येन आईएनआर यहाँ पर एक जो प्राइस सेक्शन है, इट्स नॉट दैट मच स्मॉल बट मॉडरेटली स्मॉल यहाँ पे। सो अभी जो येन आईएनआर है एट द लोअर एंड ऑफ द जोन 59.50 से 60.50 के लोअर एंड पे है, क्या ये इजीली ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ जाता है या थोड़ा कंसोलिडेट करके ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसके हाई के ऊपर क्लोज देगा, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। इसको अगर ऊपर जाना है तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम रिट्रेसमेंट। डॉलर कैंडी मीन्स द कैंडी लूजेस ग्राउंड अगेंस्ट द डॉलर, उसका मेन रीजन बैंक ऑफ कैनेडा ने रेट हाइक करने के लिए फिलहाल पॉज में रखा है, दैट इज द रीजन, ये मेन रीजन मीन्स कैनेडियन डॉलर काफ़ी वीक हो रहा है। अभी है 1.3813, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस था ये 1.37 ऑन द हायर साइड एंड 1.3250 ऑन द लोअर साइड। जब तक ये तोड़ता नहीं है तब तक आपका प्राइस कंसोलिडेट करेगा, ये वहीं पे हुआ है और अच्छा खासा स्ट्रेंथ दे रहा है। एंड आरएसआई जो है वो आप देखोगे आरएसआई आपका 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भाग गया है। एक नज़र डालते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी स्ट्रेंथ है बोथ इन वीकली फॉर्म्स एंड एज वेल एज मंथली फॉर्म्स।
So immediately swing high here, that may act as the first line of resistance. कहाँ पे है 1.3970 से 1.40, वहाँ पे एक फर्स्ट रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अभी है आपका ऑसी डॉलर, यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, सो नथिंग न्यू, बिलो द लो सेल ऑफ अबोव द हाई, थोड़ा सा कंसोलिडेशन. सी एन एच यहाँ पे जैसे कि हमारा कल का एनालिसिस आप देखोगे, यहाँ पे आपका 4-4-8 एट बार डाइवर्जेंस है, ऑल्सो आउटसाइड इनसाइड है, बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस है. सो नॉट मैनी थिंग्स आर देयर यहाँ पे, सो दैट बीइंग द केस हम यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बिलो द लो ऑफ 7th March वी कैन एक्सपेक्ट द ऑसी डॉलर सॉरी सी एन एच टू टेस्ट 6.8650 and below the neckline, that is 6.8650, we may expect another M pattern target of 6.74-7450. UK oil अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है कल, थोड़ा सा एक स्मॉल बॉडी कैंडल फॉलोड उसके पहले वाले दिन में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया था. सो जितना भी मूवमेंट हुआ है जब तक ये 79 and 89 के बीच में है, वैसा ही आपका कभी बायर्स विल एंजॉय कभी सेलर्स विल एंजॉय. यूएस 10-year ट्रेजरी कल एक आपका अच्छा खासा पिन बार बनाया हुआ है, पिन बार ऑल्दो इट इज नॉट एट द बॉटम ऑफ द मूव बट एट द सेंटर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड, सेंटर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड, दैट मीन द केस यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्शंस हो रहा है, एक्शंस हो रहा है जो क्या है कि पावेल्स स्टेटमेंट दो दिन बैक टू बैक, पहले वाले दिन फर्दर रेट हाइक के बारे में बोल रहे थे, दूसरे वाले दिन में बोल रहे कि हमने अभी तक कितना रेट हाइक करेंगे उसका क्वांटम हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, दैट बीइंग द केस. सो यहाँ पे थोड़ा सा एक इनडिसीशंस बना हुआ है, इसको अगर नालीफाई करना है, दैट मीन्स पावेल्स स्टेटमेंट को अगर निगेट करना है, तो इस टाइप का एक आपका नेगेटिव कैंडल फॉर्म होना है जो आपका ये जो पिन बार बनाया हुआ है उसके लो के नीचे जाके क्लोज दे. उसका लो कहाँ पे है आपका 3.89, इसके लो के नीचे इस टाइप का एक अगर नेगेटिव कैंडल आज या कल दे देता है, तो आपका ये जो जितना भी स्टेटमेंट्स कॉमेंट्स आ रहा है पूरा का पूरा निगेट हो जाएगा. बट देखने वाला बात ये है कि फ्राइडे का एनएफपी डेटा है, फ्राइडे का एनएफपी डेटा के ऊपर भी थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स 10-year यूएस ट्रेजरी एंड अदर करेंसी पेयर्स काफ़ी डिपेंड कर रहा है. सो आज और कल ड्यूरिंग द डे ज़्यादा पोजिशनिंग नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा लाइट जाना चाहिए. वंस द एनएफपी डेटा इज ओवर देन एंड ओनली देन वन कैन टेक और इनिशिएट सम बिगर पोजिशंस. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. सो हैव ए नाइस डे अहेड. थैंक यू एंड